Hi, welcome back to Sayum. Thank you for patiently waiting for this video. And as we promised, in this video, हम सयम की स्कूलिंग जर्नी की पहले की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे. This video will be the first video in that series. So, because there are a lot of preparations that was required before sending your child to school. So, step by step, हम उन सारी preparations को cover करेंगे as far as possible, as per our understanding. And before we move further, we have received many queries in recent past, जहाँ पे आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आई है उन टॉपिक्स को समझाने के बारे में जिन टॉपिक्स को हम ऑलरेडी कुछ पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं. सो दैट मींस सम ऑफ द नोटिफिकेशंस माइट नॉट हैव रीच्ड यू एंड वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दैट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब फॉर द चैनल. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस इन टाइम. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग बिफोर वी कुड थिंक ऑफ सेंडिंग सैम टू स्कूल वाज वर्किंग ऑन हिज सिटिंग बिहेवियर. और उसके लिए बहुत जरूरी था उसकी हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल. हाउ टू कंट्रोल हाइपर एक्टिविटी, इसके बारे में हम डिटेल में अपने पहले वीडियोस में बात कर चुके हैं, वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट डाइट मैनेजमेंट, हाइड्रोथेरेपी एंड वेल एज फ्यू मसाजेस. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो, प्लीज डू वॉच दैट. इट विल रियली हेल्प इन reducing and suppressing the hyperactivity so that you can further work with your child in a positive way. So, सबसे important step है ताकि बच्चा बैठना सीखे, एक जगह पर आपकी instructions को ध्यान से सुनना सीखे और उसे process और comprehend कर पाए. So, do watch that video. That was one. So, एक बार बच्चे का sitting behavior थोड़ा आना शुरू हो गया, then the next important milestone to achieve is toilet training. हमारे बच्चे आमतौर पे टॉयलेट ट्रेंड या तो नहीं होते या तो टॉयलेट ट्रेनिंग में बहुत समय ले लेते हैं एंड विच एक्चुअली डिलेज देयर मेन स्ट्रीमिंग, डिलेज देयर स्कूल एडमिशन एज वेल. नाउ टॉयलेट ट्रेंड ना होने के कुछ रीजंस हो सकते हैं. लेट सी व्हाट द रीजंस मे बी वन बाय वन. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन कैन बी कि बच्चे को अर्ज ही महसूस नहीं हो रही टॉयलेट जाने की. देयर मे बी सर्टेन एसोसिएटेड गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज जिनकी वजह से बच्चे को महसूस नहीं हो रहा, अर्ज फील नहीं हो रही. The second issue can be कि अर्ज तो फील हो रही है लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, उसको पता ही नहीं है कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बताना है that he is feeling the need to go to the toilet. The third issue can be that कुछ sensory issues की वजह से बच्चे को टॉयलेट जाना अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है. या तो टॉयलेट सीट ठंडी लग रही है, या तो उसे फ्लश का साउंड पसंद नहीं है, या तो क्लोज्ड एनवायरमेंट को वो अवॉइड कर रहा है. सो नाउ लेट्स move further and see how we can make the child potty trained by adopting certain steps. So toilet train होने की journey में सबसे important चीज़ है बच्चे को उस environment से friendly करना. तो जब भी आप toilet training की शुरुआत करें, always use an ambient weather. जब extreme ठंड होती है उस time में शुरुआत नहीं करें, avoid करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि already बड़े बड़े लोगों को ठंड लगती है वॉशरूम जाने में, टॉयलेट सीट ठंडी लगती है. तो अगर हमारे बच्चे को जिसको अभी तक हमने ट्रेन भी नहीं किया है, अगर उसके साथ हम उस टाइम पर स्टार्ट करेंगे तो शायद वो इतना कंफर्टेबल नहीं होगा और आपके लिए और मुश्किल, और बच्चे के लिए भी और मुश्किल हो सकता है. तो सबसे पहले एम्बियंट वेदर, जैसे आजकल का मौसम बहुत अच्छा है, समर का मौसम बहुत अच्छा है, अवॉइड नवम्बर टू फेब्रुअरी का पीरियड नॉर्दर्न इंडिया में. बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया जहाँ पर एम्बिएंट रहता है वेदर, आप कभी भी जितना जल्दी हो सके टॉयलेट ट्रेनिंग की शुरुआत कर सकते हैं. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि बच्चे को एवरी मॉर्निंग टॉयलेट में लेकर जाना है. नाउ इनिशियली हो सकता है उसे अर्ज फील नहीं हो रहे हो, बट द ब्रेन हैज टू अंडरस्टैंड कि मॉर्निंग में उठकर ये टाइम टॉयलेट जाने का है. तो एवरी मॉर्निंग हमें प्रेफरेबली सेम टाइम रखना है और वन ऑफ द पेरेंट नीड टू गो अलोंग विद द चाइल्ड टू द वॉशरूम. और ये रोज और लगातार करना है विदाउट एनी ब्रेक.
ये इसमें कॉन्टिन्यूटी रहने बहुत जरूरी है। रेगुलरली हमने बच्चे को लेकर जाना है और एक डिसिप्लिन की शुरुआत करनी है उसकी लाइफ में। नंबर टू, मॉर्निंग में अर्ज फील हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे का डाइट। बच्चे की डाइट नीड्स टू बी फाइबर रिच। जितना आप मल्टीग्रेन फाइबर रिच फूड यूज करेंगे, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यूज करेंगे उसके डाइट में, उतना अच्छा होगा बच्चे के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट के लिए, बॉल मूवमेंट के लिए अच्छा रहेगा। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहता है, जो काफी बच्चों में, हमारे बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, तो यू कैन यूज अ लेक्सेटिव एज वेल। लेक्सेटिव आर सर्टन सब्सटेंसेस विच एनहांसेस द बॉल मूवमेंट ऑफ द चाइल्ड। लेक्सेटिव कौन सा यूज करना है और उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, उसके लिए प्लीज कंसल्ट विद योर पीडियाट्रिक, बिकॉज दे आर द बेस्ट पर्सन एज पर योर चाइल्ड। वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके बच्चे की कंडीशन के हिसाब से कि कौन सा लेक्सेटिव आपके बच्चे के लिए बेस्ट है और कितनी क्वांटिटी में यूज करना है। होम रेमेडीज के तौर पर आप सौंफ का पानी, बच्चे अगर पी सकता है सौंफ उबाल के, तो वो भी आप दे सकते हैं, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। वो कोई भी बच्चे को आप दे सकते हैं अगर आपका बच्चा वो पी लेता है। तो इससे क्या होगा कि अगर रात को आपने लेक्सेटिव दिया है तो मॉर्निंग में जब आप उसको लेकर जा रहे हैं तो ऑलरेडी जो है एब्डोमिनल प्रेशर हाई होगा, तो उसको एक अर्ज होगी वॉशरूम जाने के लिए। तो दोनों आपके पर्पस सॉल्व होते हैं, उस टाइम पर वो अर्ज फुलफिल हो जाएगी उसकी एंड ही विल बी एबल टू कनेक्ट कि वो किस पर्पस के लिए वॉशरूम में आया है। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप हमेशा एक ही शब्द का इस्तेमाल करें बच्चे के साथ। या तो आप पॉटी बोलिए जब आप उसे वॉशरूम लेकर जा रहे हैं, से पॉटी, और यूज द वर्ड टॉयलेट, और यूज द वर्ड पूप। हर रोज नया शब्द यूज करके बच्चे को कंफ्यूज नहीं करना है। ग्रेजुअली आप एक ही शब्द जब आप बार बार यूज करते रहेंगे, योर चाइल्ड विल बी एबल टू रिलेट टू दैट, और धीरे धीरे उसको सिग्नल मिलने लगेगा कि मैं किस पर्पस से वॉशरूम के लिए आया हूँ या आई हूँ। तो ऑलवेज यूज वन लैंग्वेज वन वर्ड जो आपके घर में कॉमन यूज होता है और आप उसका आपका बच्चा उससे यूज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बच्चे के लिए एनवायरमेंट कंफर्टेबल बनाना बहुत जरूरी है। कंफर्टेबल बनाने के लिए आप उसके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स या जो भी उसको पसंद हो ऐसी पिक्चर्स वॉशरूम में लगा सकते हैं। तो इट हैज टू बी अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर द चाइल्ड ईच टाइम, जिसके लिए वो वॉशरूम जाना पसंद करे, ना पसंद नहीं करे। नाउ चाइल्ड नीड्स टू सिट इन द वॉशरूम फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। एक बड़ा चैलेंज है बच्चे को 15 से 20 मिनट के लिए बिठाना। तो 15 से 20 मिनट के लिए डू सम एक्टिविटी दैट योर चाइल्ड लाइक्स। उसका उसकी पसंद का कोई टॉय दे सकते हैं जो उसे पसंद है। आप उसके साथ में गाना गा सकते हैं अगर उसको पसंद है, तो उसको कोई स्टोरी सुना सकते हैं, उसके साथ में बातें कर सकते हैं। एंड इफ योर चाइल्ड डिमांड्स और कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, तो उसका फेवरेट कोई कार्टून या वीडियो इनिशियली उसके सिटिंग बिहेवियर को एनहांस करने के लिए अगर आप लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। एंगेज हिम, पॉइंट इज एंगेज हिम इन सम और द अदर एक्टिविटी, जिससे वो 15-20 मिनट्स का जो टाइम है सिटिंग के लिए वॉशरूम में वो अवेलेबल हो पाए, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कोशिश कीजिएगा कि आप जब अपने बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे हैं तो वेस्टर्न टॉयलेट पे उसको ट्रेन कीजिए, बिकॉज दैट्स वेस्टर्न सीट इज अ लिटिल कंफर्टेबल टू सिट इन कंपैरिजन टू द इंडियन टॉयलेट सीट्स। नाउ कभी कभी क्या होगा कि जब वेस्टर्न टॉयलेट पे बच्चा जाएगा तो बिकॉज इट हैज अ लार्जर होल, सो बच्चे को वहां पे डर लग सकता है उसमें बैठने में, उसको लगेगा कि मैं गिर ना जाऊं। सो उस केस में देर आर टॉयलेट सीट्स अवेलेबल जो अलग अलग साइजेस की होते हैं। यू कैन चूज अ सीट एज पर द साइज ऑफ योर चाइल्ड, और डिफरेंट कलर और डिफरेंट डिजाइन की भी आती हैं। तो जो कलर जो डिजाइन आपको लगता है कि बच्चे को पसंद आएगा, आप उसके हिसाब से टॉयलेट सीट उसकी चूज कर सकते हैं।
Now, once you make the child sit on the toilet seat, हो सकता है कि उसके पैर लटक रहे हो, पैर जमीन तक नहीं पहुंच रहे हो, गिव हिम अ नाइस स्टूल, प्रॉपर हाइट का एक स्टूल दीजिए जिससे कि बच्चे के पैर उस पर बेस हो सके एंड ही विल फील कंफर्टेबल. 10-15 मिनट बैठना इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर हिम और हर. सो जब उसके पैर टिके होंगे एंड ही विल बी और शी विल बी कंफर्टेबली सिटिंग, तो वो 10-15 मिनट आराम से वहां पे बैठने के चांसेस बढ़ जाएंगे. आई रिमेम्बर जब संयम के साथ हम लोग टॉयलेट ट्रेनिंग करा रहे थे, तो उस टाइम पे संयम को जैसे हमने टॉयलेट सीट पे बिठाया, तो उसके साथ में आई यूज टू सिट ऑन अ चेयर एंड आई यूज टू डू अ रोल प्ले विद हिम. सो अब उसको ये तो वो आदत पड़ गई धीरे धीरे बैठने की यहाँ पे, कि मुझे 15 मिनट बैठना है और मुझे अपने टॉय से खेलना है या गाना सुनना है, बट ही डिडंट नो व्हाट टू डू आफ्टर दैट. सो आई यूज टू सिट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड अप्लाई प्रेशर एंड आस्क हिम, प्रॉम्प्ट हिम टू अप्लाई द प्रेशर सो दैट वो मुझे देखकर रेसिप्रोकेट करे, एक्टिंग करे और वो खेल खेल में, रोल प्ले में वो प्रेशर अप्लाई करना सीख जाए. कुछ दिन लगे ऐसा करने में, लेकिन धीरे धीरे करके उसने प्रेशर अप्लाई करना सीखा एंड देन ही पुप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी यूजफुल, रोल प्ले इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव टूल टू ट्रेन योर चाइल्ड इन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग टॉयलेट ट्रेनिंग. ऑल्सो ऑब्जर्व योर चाइल्ड ड्यूरिंग द डे, देर मस्ट बी सम क्लूज दैट योर चाइल्ड इज गिविंग यू. सो कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर उन्हें प्रेशर फील हो रहा है तो दे विल गो एंड स्टैंड इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम. Some children will make their faces red because they are applying pressure. Some children may point out towards their trouser, towards their pants. Some children may throw tantrums or cry unnecessarily. So you will have to notice these clues, observe these behaviors for some time so that you get when is your child is feeling the urge to go to toilet. And the moment you catch that behavior, your job is to take the child to the washroom and make him sit on the toilet seat, let him do potty or let him do susu, whatever he wants to do. Now the second thing, even if you notice that the child has pooped outside the washroom, bahar bhi kahin usne agar toilet kar liya hai, then take the child to the washroom because he must know that this is the place for toilet. Each and every time, please do that. We came across a very interesting cartoon video of a child who is learning how to be toilet trained. So, wo bahut acha sa video laga aur mujhe lagta hai ki wo this will add value and this will your kid will also enjoy it. So, na sirf toilet training seekhne ke purpose se, but बहुत एंटरटेनिंग वीडियो भी है. सो वी हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू मस्ट शो इट, यू मस्ट सी इट एंड यू मस्ट शो इट टू द चाइल्ड, इट मे हेल्प. ना बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी भी हालत में आपने बच्चे पर गुस्सा नहीं करना है. आई नो द जर्नी ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग कैन बी लॉन्ग, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे बाकी एक्टिविटीज के कंपेरिजन में, लेकिन आपने यहाँ पर अपना पेशेंस नहीं खोना है. कई बार बहुत सा पीयर प्रेशर भी होता है, कभी कभी लोग आपको बोलने लगते हैं कि अभी तक टॉयलेट ट्रेन नहीं है. कभी 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 खुद को भी फील होता है कि हमारे एफर्ट्स रिजल्ट्स के नहीं ला रहे. बट किसी भी सर्कमस्टेंस में आपने बच्चे के ऊपर शाउट नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, चिल्लाना नहीं है. गिव योर चाइल्ड लॉट्स ऑफ लव. Lots of love, patience, and continuous efforts is the key in your child's development. और जब वो पहली बार poop करे toilet में, so really celebrate. उसको कुछ ऐसा gift दीजिए using ABA tool जो उसको बहुत पसंद हो. Every time reward your child with something. It can be a toy, it can be something that he or she likes to eat. But he or she should know कि ये करने के बाद ही ये रिवॉर्ड मिलेगा. इस रिवॉर्ड को आपने नॉर्मली कभी भी बच्चे को देना नहीं है, और किसी भी केस में अगर वो उसके लिए नॉर्मल हैबिट बन गई तो वो रिवॉर्ड की तरह आकर नहीं करेगा. सो डू सेलिब्रेट एंड रिवॉर्ड योर चाइल्ड, अप्रिशिएट योर चाइल्ड फॉर हिज और हर एफर्ट्स, गुड एफर्ट्स. जब भी रिजल्ट आए तो प्लीज डू सेलिब्रेट, इसको भूलना नहीं है. All your child needs is your continuous efforts,
लव एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस। तो हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। So in our next video, we will be talking about more aspects that you need to cover before sending your child to the school. Till then, take care, God bless, bye-bye.